हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लारावेल में एजेक्स के थ्रू जो कोई भी हम इमेज अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं, ठीक है, तो उसका प्रोग्रेस बार कैसे काम करता है, तो वो चीज़ हम बेसिकली इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि जो प्रोग्रेस बार कैसे प्रोसेस होता है, मतलब 100% तक हो जाता है, मानो कि कोई इमेज है या बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अपलोड होने में कोई टाइम ले रहा है, ठीक है, तो कितना परसेंटेज अपलोड हुआ, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमारे पास लारावेल 9 का जो पूरा क्लोन यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, ठीक है, लारावेल 9.dv के वर्चुअल होस्ट में यहाँ पे ऑलरेडी होस्टेड है। यहाँ पे दोस्तों एक काम करेंगे, सबसे पहले एक मॉडल बना लेंगे, PHP आर्टिजन मैक कॉलन मॉडल, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मॉडल का नेम फाइल अपलोड -m, साथ साथ माइग्रेशन भी बना लेते हैं। तो ये दोनों चीज हो गई दोस्तों यहाँ पे हमारी। एक काम करते हैं, सबसे पहले मॉडल को सेटअप कर दे रहे हैं, ठीक है। मॉडल के अंदर दोस्तों यहाँ पे फाइल अपलोड का जो मॉडल बना है प्रोटेक्टेड के अंदर दोस्तों यहाँ पे फिलेबल नाम का वेरिएबल, उसके अंदर हम नेम नाम का एक जो है फील्ड बनाएंगे, और दोस्तों यहाँ पे हमारा माइग्रेशन जो है उसको हम पूरा सेटअप करेंगे। माइग्रेशन दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी है, उसको यहाँ पे स्ट्रिंग करके पूरा सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों स्ट्रिंग करेंगे और यहाँ पे उसका जो फील्ड का नेम है वो यहाँ पे सेटअप कर देंगे स्ट्रिंग के अंदर नेम। सिंपली दोस्तों एक बार इसको माइग्रेट कर दे रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा डेटाबेस का कनेक्शन है, PHP आर्टिजन माइग्रेट, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अब ENV में देख सकते हैं कि हमारा जो ऑलरेडी डेटाबेस है वो लारावेल 9 नाम का डेटाबेस है। यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ माइग्रेट हो गई है हमारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लारावेल का जो टेबल हमने माइग्रेट किया वो यहाँ पे आ गया है। ये चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों हम एक यहाँ पे कंट्रोल बनाएंगे, प्रोग्रेस बार कंट्रोलर। देखिए यहाँ पे लारावेल 9 का डेटाबेस है, लारावेल 9, ठीक है, उसके अंदर दोस्तों हमने फाइल अपलोड्स का जो पूरा टेबल बनाया वो चीज़ यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा टेबल, और यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ हो जाने के बाद हमारा कंट्रोल बनाने वाला है, PHP आर्टिजन मैक कॉलन कंट्रोलर, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों प्रोग्रेस बार का कंट्रोल बनाएंगे, प्रोग्रेस बार कंट्रोलर, ठीक है, ये चीज़ हो गई दोस्तों यहाँ पे। और कंट्रोल में दोस्तों पूरा जो कोड है वो यहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या करने वाले हैं। तो ये चीज़ हो जाने के बाद हमारा कंट्रोलर जहाँ जहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे उसको हम ओपन करेंगे, हमारा प्रोग्रेस बार कंट्रोलर। यहाँ पे दोस्तों यूज़ ऐप जो हमारा मॉडल है उसको हम यूज़ कर लेंगे, फाइल अपलोड का मॉडल है, ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया था फाइल अपलोड का मॉडल, उसको यहाँ पे हम यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है, फाइल अपलोड, ठीक है, ये हमारा मॉडल है दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ सिंपली यूज़ कर दे रहे हैं फाइल अपलोड का मॉडल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक जो पूरा फाइल बनाएंगे प्रोग्रेस बार का, तो यहाँ पे दोस्तों व्यू फाइल करेंगे या इंडेक्स ऐसा कुछ दे सकते हैं, ठीक है, सिंपली रिटर्न व्यू, और यहाँ पे दोस्तों प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस का एक पूरा फाइल बनेगा, उसके अंदर पूरा सेटअप करना है। रिसोर्स के अंदर व्यू के अंदर दोस्तों यहाँ पे एक progress.blade.php, तो ये चीज़ हो गई दोस्तों यहाँ पे हमारी। प्रोग्रेस के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना दूसरा फंक्शन जो है वो बनाना है, सिंपली यहाँ पे फंक्शंस बनाना है, ठीक है, फंक्शंस के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना पूरा जो डेटा है वो यहाँ पे अपडेट होगा, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो चीज़ हम यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे दोस्तों उसका फंक्शंस आएगा अपलोड टू सर्वर। तो ये चीज़ हो गया दोस्तों यहाँ पे हमारा फंक्शंस। यहाँ पे दोस्तों वैलिडेशन भी लगा दे रहे हैं साथ साथ, ठीक है, डॉलर रिक्वेस्ट डॉलर दिस वैलिडेट ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन डॉलर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे दोस्तों वैलिडेट, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे दोस्तों वैलिडेट के अंदर हमारा फाइल नाम का ऑब्जेक्ट आएगा, उसको हम यहाँ पे नाम उसका फाइल रखेंगे, और यहाँ पर रिक्वायर्ड उसको भी सेटअप कर दिया रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फाइल जो होगी वो अपलोड होगी, डॉलर नेम नाम का वेरिएबल बनेगा, टाइम फंक्शन देंगे, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों टाइम फंक्शन के बाद उसको कॉन्किनेट करेंगे डॉट, और यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर हमारी जो फाइल आएगी वो चीज़, तो यहाँ पे दोस्तों रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ पे फाइल जो मिलेगी फाइल, और यहाँ पे दोस्तों फाइल के अंदर हमारा एक फंक्शन है गेट क्लाइंट, ठीक है, गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे दोस्तों ये फंक्शंस हम यूज करेंगे, यहाँ से हमारा क्लाइंट जो फाइल का एक्सटेंशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों डॉलर रिक्वेस्ट के बाद, ठीक है, हमारा जो फाइल है उसको मूव करेंगे, फाइल नाम का ऑब्जेक्ट हमारा, यहाँ पे दोस्तों मूव, ठीक
ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों पब्लिक अंडरस्कोर पाथ नाम का फोल्डर, उसके अंदर दोस्तों हम अपलोड नाम का एक ऑल फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर पूरा जो सेटअप है हमारा वो करेंगे। यहाँ पे दोस्तों नेम नाम का एक हमारा वेरिएबल यहाँ पे हमने जो बनाया है वो, ताकि हमारा जो इमेज का नेम है वो ये रहे। ये चीज़ हो गई, इसको हम सेव करते हैं सिंपली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डॉलर फाइल नाम का वेरिएबल, न्यू हमारा जो मॉडल है वो चीज़ यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। मॉडल, और मॉडल में दोस्तों हम ये जो फाइल नाम का वेरिएबल है उसको हम सेव करेंगे। यहाँ पे दोस्तों नेम, और यहाँ पे डॉलर नेम नाम का वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों डॉलर फाइल नाम का वेरिएबल को हम पूरा सेव कर देंगे, फाइल नाम का वेरिएबल सिंपली उसको सेव करेंगे। तो ये हमारा डेटा जो है वो यहाँ पे सेव हो गया। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और, रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे जेसन, और यहाँ पे दोस्तों सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे सक्सेस का मैसेज जो भी है वो यहाँ पे आएगा, सक्सेसफुली अपलोडेड। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। यहाँ पे ये चीज़ हो जाने के बाद हम राउट बनाएंगे और उसका भी सेटअप पूरा करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रोग्रेस बार कंट्रोलर, और यहाँ पे अपना जो राउट है, राउट डॉट राउट वाली फाइल में वेब डॉट पी एच पी, और यहाँ पे अपना प्रोग्रेस बार का कंट्रोलर यहाँ पे हमने कॉल किया सिंपली दोस्तों। यहाँ से हम पूरा जो ये है उसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। जो पीछे उसका राउट का नेम जो है उसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे अपना प्रोग्रेस बार कंट्रोलर, ठीक है। पेमेंट फॉर्म जो है वो यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे अभी एक कुछ कर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ कर दे रहा हूँ प्रोग्रेस, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अपलोड डॉक फाइल। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। यहाँ पे अपलोडेड टू सर्वर, और यहाँ पे दोस्तों लास्ट में जो फंक्शन है वो चेंज करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड टू सर्वर, ये चीज़ भी यहाँ पे सेटअप करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा एक ब्लेड फाइल होगा, उसमें पूरा सेटअप करना है। जो सबसे पहले हमने ब्लेड फाइल बनाया था रिसोर्स के अंदर, व्यू के अंदर, प्रोग्रेस ब्लेड डॉट पी एच पी, उसके अंदर पूरा सेटअप जो करना है तो वो दोस्तों यहाँ पे पहले सेटअप कर दे रहे हैं। उसके बाद जो पूरा सेटअप है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो कैसे काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं, एचटीएमएल हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिंपली हम बूटस्ट्रैप का जो सीडीएन है वो यहाँ से उठा लेते हैं। तो गेट बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप फाइल ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूरा उसका फॉर्मेट जो है रेडी आएगा और डॉक्स के अंदर बूटस्ट्रैप 5.0 ऐसा कुछ कोई भी ले लेंगे, ठीक है। रीड द डॉक्स के अंदर शायद आएगा, ठीक है दोस्तों। इसको कॉपी कर लेते हैं सिंपली। यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है वर्जन प्रॉब्लम है, 5.0.1 में होगा या 2 में होगा ऐसा कुछ है यहाँ पे। सिंपली दोस्तों इसको कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है। 5.1 इसको कॉपी कर दे रहे हैं, यहाँ पे हमने रख दिया। तो ये चीज़ यहाँ पे दोस्तों एक काम करते हैं, जो वर्जन है उसको चेंज कर दे रहे हैं। बूटस्ट्रैप का वर्जन है 5.0.1 में ले लेते हैं, 0.1। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ हो गई। यहाँ पे दोस्तों रेल के बाद इंटीग्रिटी जो है उसको हटाते हैं, ये चीज़ हो गई हमारी। बूटस्ट्रैप हेलो वर्ल्ड का जो है वहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ कर दे रहे हैं, बूटस्ट्रैप 5 प्रोग्रेस बार एग्जांपल। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों यहाँ पे, और इसको हटा देते हैं, ये जो जेएस है वो रहने देते हैं दोस्तों। यहाँ पे सिंपली जेएस का कोई अभी कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। इसको भी हटा दे, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों डीएवी लेंगे सिंपली, डीएवी का कंटेनर क्लास देंगे, कंटेनर, ठीक है। मार्जिन टॉप 5, तो ये चीज़ यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले। और स्टाइल डॉट, यहाँ पे दोस्तों स्टाइल मैक्स विथ, मैक्स विथ दोस्तों यहाँ पे 500 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों लोरेम करके देखते हैं कि हमारा जो हमने सेटअप किया वो कैसे काम कर रहा है। सिंपली ये प्रोग्रेस वाला जो यूआरएल है वो यहाँ पे रन करेंगे, laravel.9db, देखिए। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे हमारी हो गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूरा सेटअप करने वाला है, इसको हटाते हैं सिंपली, डीआईवी लेते हैं दूसरा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अलर्ट, अलर्ट, और यहाँ पे वार्निंग वाला लेंगे,
ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एम बी फोर जो नीचे और पाँच फोर पिक्सल मार्जिन, और यहाँ पे दोस्तों टेक्स्ट सेंटर, ये चीज़ हो गई। सिंपली इसके अंदर एच एच वन या एच थ्री ऐसा कुछ ले लेंगे, एच टू ले लेते हैं ठीक है। क्लास डिस्प्ले सिक्स करेंगे, डैश सिक्स, तो ये चीज़ हो गई। लारावेल डायनामिक एजेक्स प्रोग्रेस बार एग्जांपल, ये दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे हो गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्म बनाना है, सिंपली फॉर्म को पूरा सेटअप कर दे रहे हैं। फॉर्म के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आईडी दे रहे हैं, आईडी का नेम देंगे फाइल अपलोड फॉर्म, ये चीज़ हो गई सिंपली। और यहाँ पे दोस्तों मेथड के अंदर पोस्ट, और यहाँ पे एक्शन में दोस्तों हमारा जो बना है वो राउट देंगे, एसएपी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों यूआरएल स्लैश अपलोड, सिंपली इसको कॉपी कर दे रहे हैं, अपलोड डॉक फाइल जो है। फॉर्म को यहाँ पे नीचे डाल देते हैं। एक्शन के अंदर दोस्तों यहाँ पे इनसी टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, तो ये चीज़ होगी दोस्तों। यहाँ पे इनसी टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम फाइल डाल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सीएसआरएफ टोकन, तो ये चीज़ हो गई। डी ए विलिया सिंपली यहाँ पे दोस्तों क्लास फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पे दोस्तों एम बी थ्री क्लास एक और एम बी थ्री, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनपुट लेंगे, इनपुट के अंदर यहाँ पे फाइल टाइप का नेम, जो उसका नेम जो भी नेम है उसको भी फाइल देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने कंट्रोलर जो है उसमें भी हमने फाइल दिया था, तो वो चीज़ यहाँ पे फाइल ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्लास के अंदर फॉर्म कंट्रोलर, तो ये चीज़ हो गई। इसको एंड करते हैं, देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। देखिए ऐसा कुछ हुआ है अभी, उसके बाद पूरा यहाँ पे हम पूरा सेटअप करेंगे जब भी अपलोड होगा ठीक है। तो ये चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे नया डीए लेना है, सिंपली डीए के बाद यहाँ पे दोस्तों क्लास क्लास के अंदर डी ग्रिड एम बी थ्री ऐसा कुछ कर देना है, एम बी थ्री ऐसा कुछ है। और यहाँ पे दोस्तों इनपुट के अंदर फॉर्म जो बटन लेना है टाइप सबमिट बटन ठीक है। नेम के अंदर कुछ नहीं लेना है, वैल्यू के अंदर सबमिट। और यहाँ पे दोस्तों क्लास बी टी एन प्राइमरी, ये चीज़ हो गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एंड कर देना है सिंपली। और यहाँ पे दोस्तों नया एक और डी ए लेना है फॉर्म के अंदर ही डी ए वी, और यहाँ पे दोस्तों क्लास देना है सिंपली। क्लास के अंदर दोस्तों यहाँ पे हम फॉर्म ग्रुप करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों डी ए वी आई डी सॉरी क्लास लेंगे, और यहाँ पे दोस्तों प्रोग्रेस ठीक है, यहाँ पे प्रोग्रेस बार बनाने जा रहे हैं प्रोग्रेस। और यहाँ पे दोस्तों डी ए वी एक और, यहाँ पे दोस्तों प्रोग्रेस बार ठीक है, प्रोग्रेस बार स्ट्राइप्ड, प्रोग्रेस बार स्ट्राइप्ड ऐसा कुछ यहाँ पे क्लास है स्ट्राइप। यहाँ पे दोस्तों प्रोग्रेस बार स्ट्राइप, और यहाँ पे प्रोग्रेस बार एनिमेशन एनिमेटेड, और यहाँ पे दोस्तों बीजी डेंजर ठीक है। तो ये चीज हो गई दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों रोल के अंदर सेटअप करेंगे प्रोग्रेस बार, इसको निकाल देना है। और यहाँ पे दोस्तों एरियल वैल्यू आएगा, एरियल वैल्यू नाउ इक्वल टू जीरो, तो ये दोस्तों हो गई। यहाँ पे दोस्तों एरियल वैल्यू मिनिमम, तो यहाँ पे नाउ की जगह दोस्तों यहाँ पे मिन आएगा, और मैक्स आएगा दोस्तों यहाँ पे 100। और यहाँ पे दोस्तों स्टाइल में विड्थ इक्वल टू 0%, तो ये दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ हो गई। इतनी चीज़ हमको सेटअप करनी थी। ये चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा अभी एजेक्स का पूरा कोड करना है ठीक है। फॉर्म के बाद दोस्तों यहाँ पे एचटीएमएल से पहले यहाँ पे दोस्तों हमको दो स्क्रिप्ट आपको डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों पहले जेक्वेरी ले लेते हैं, जेक्वेरी सीडीएन, तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी सीडीएन है उसको उठा लेते हैं सिंपली। सिंपली इसको कॉपी किया और यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे हमारी
चेक क्वेरी आ गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक और चीज़ फॉर्म मीन जेस लेनी पड़ेगी, चेक क्वेरी फॉर्म मीन जेस, तो वो भी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो उठा लेते हैं। सिंपली वर्जन उसका एक कुछ ऐसा कुछ ले लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर पूरा आपको रखना है, एसआरसी के अंदर। देखिए ये चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अभी उसका कोड करना है प्रोग्रेस बार, जब भी अपलोड होगा। तो यहाँ पे वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रिप्ट के अंदर इसको एक बार वापस रन करके देख लेते हैं। देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों प्रोग्रेस बार और यहाँ पे पूरा सेटअप करने के लिए वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि हम पूरा कैसा सेटअप करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जेक्वेरी का फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस के अंदर पूरा सेटअप आपको करना है, तो वो चीज़ वन बाय वन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट और रेडी, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन, फंक्शंस को पूरा करेंगे, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे दोस्तों डॉलर हमारा जो फाइल, जो फॉर्म है पूरा, फाइल अपलोड फॉर्म यहाँ पे हमने रखा था, वो आईडी लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों एजेक्स फॉर्म, ठीक है, बिफोर बिफोर सेंड कॉलन फंक्शन, ये चीज हो गई। उसके बाद दोस्तों आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद अपना फंक्शन वेरिएबल बनाएंगे परसेंटेज, इक्वल टू 0, ये चीज हमने रख दिया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ओवर कर देना है सिंपली, और यहाँ पे अपलोड प्रोग्रेस, ये यहाँ पे आपको फंक्शन बनाना है, फंक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों फंक्शंस के बाद हम इवेंट नाम का वेरिएबल देंगे, पोजीशन देंगे उसकी। ये दोस्तों ऑलरेडी रेडी फंक्शन है और मुझे ये थोड़ा आता है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों परसेंट कंप्लीट, तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ हो गई। वेरिएबल इक्वल टू परसेंटेज में परसेंट कंप्लीट नाम का वेरिएबल, ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी, क्योंकि हम जितना भी कंप्लीट होगा वो यहाँ पे अपलोड अपडेट होगा। और यहाँ पे दोस्तों डॉट प्रोग्रेस प्रोग्रेस डॉट प्रोग्रेस बार, ये चीज़ हो गई। डॉट सी एस एस सिंपली इक्वल टू विड्थ, विड्थ के बाद दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज, परसेंटेज हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो प्लस, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन सिंपली, और यहाँ पे फंक्शंस, फंक्शंस को ओवर किया सिंपली, इसको एंटर किया। रिटर्न क्या करेंगे हम, रिटर्न डॉलर दिस, इसके अंदर जो भी होगा ATTR एरियल, एरियल के बाद यहाँ पे दोस्तों एरियल वैल्यू नाउ जो होगा उसको हम यहाँ पे सेटअप करने हैं, एरियल वैल्यू नाउ, तो उसको हम यहाँ पे सेटअप करेंगे एरियल वैल्यू नाउ को। और यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज के अंदर जो भी मिलेगा उसको यहाँ पे हम देंगे, ताकि जब भी अपडेट हो वो परसेंटेज पे अपडेट हो। परसेंटेज दिया और यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज का साइन दिया, एंड किया। और यहाँ पे दोस्तों लास्ट में एक और फंक्शंस कंप्लीट होगा जब भी कॉलन फंक्शन सिंपली XHR कॉन्सोल के अंदर, ठीक है, फाइल हैज अपलोडेड, तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज हो गई अपलोडेड सिंपली। दोस्तों ये चीज़ हमारी हो गई, और इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा जो इमेज है वो अपडेट होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कोई मैं बड़ी इमेज ले रहा हूँ 5 MB की, ठीक है, सबमिट किया, देखिए ऐसा कुछ आ रहा है,
और यहाँ पे दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी परसेंटेज अपडेट हो रहा है उसको आप उसको भी आप सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा कि जब भी उसके अंदर आप अगर कुछ वैल्यू चेंज करना चाहते हो टैक्स, ठीक है, तो वो यहाँ पे परसेंटेज भी आप दे सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया कि आईडी शायद ऐसा यहाँ पे ऊपर रख सकते हैं, पी के अंदर आपने आईडी लिया PER, ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो परसेंटेज होगा दोस्तों वो चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वो चीज़ भी यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ कि कितना परसेंटेज हमारा जो है वो अपडेट हुआ टैक्स। और यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज जो भी अपडेट होगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। वापस एक बार इसको रन करके देखते हैं दोस्तों। वापस इमेज लिया, 5 MB का इमेज है, यहाँ पे कुछ आया नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज PER टैक्स यहाँ पे सही है। परसेंटेज शायद यहाँ पे कुछ गलत होगा, परसेंटेज के अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ उसको एक बार रिप्लेस करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये चीज़ जो है वो काम कर रहे हैं कि नहीं। शायद ऐसे कुछ काम करेगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ रिटर्न ने किया था तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं चली थी, लेकिन यहाँ पे चलेगा शायद, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक बार वापस अपडेट करके देखते हैं। देखिए इमेज सिलेक्ट किया, इमेज 5 MB का, देखिए यहाँ पे अपडेट हुआ दोस्तों, यहाँ पे 100% दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ी बड़ी फाइल जो है CSV वगैरह ऐसा कुछ अपडेट कर रहा हूँ। देखिए एक्सपोर्ट यहाँ पे दोस्तों 56 या 46 MB की फाइल है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको एक बार अपडेट करके देखता हूँ, देखिए। तो मतलब यहाँ पे भी अपना जो परसेंटेज है वो ऐसा कुछ दिखता है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से ऐसे कुछ जब भी आप इमेज अपडेट करें तो ऐसे कुछ अपने हिसाब से आप पूरा सेटअप कर सकते हैं, और परसेंटेज भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, और प्रोग्रेस बार एनिमेटेड जो है वो सक्सेसफुली कैसे अपडेट होता है वो चीज़ भी यहाँ पे मैंने आपको दिखाई। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि अपलोड नाम का फोल्डर है उसमें कुछ अपलोड हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पे अपलोड हो चुका है, CSV फाइल अपलोड हुई है 2 बार, ठीक है, और JPG इमेज जो भी हमने डाली थी वो चीज़ यहाँ पे ओपन हुई है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से ऐसा कुछ सेटअप कर सकते हो कि एनिमेटेड प्रोग्रेस बार जब भी आप इमेज अपलोड करें या बड़ी फाइल अपलोड करें तो आपको पता चले कि कितने MB की फाइल है अपलोड हुई है, कितना परसेंटेज अपडेट हुई है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से ये पूरा लारावेल में डायनेमिक एजेक्स प्रोग्रेस बार एग्जांपल जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया वो चीज़ अपने प्रोजेक्ट में सेटअप कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।